रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो क्या होता है कि हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, स्पेशली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है या जो बहुत टाइम से लगे हुए हैं, तो क्या होता है कि जब एग्ज़ाम थोड़े थोड़े पास आने लगता है तो देन वी फील कि अच्छा ठीक है, अभी आई डोंट थिंक आर्ट एंड कल्चर सिर्फ नितिन सिंघानिया, काफ़ी बलियान भी लेके आते हैं एंड वो भी पढ़ने लगते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और पढ़ते हैं. सो इट्स बेटर कि आप लिमिटेड रखो, एक जगह से अगर एक चीज़ पढ़ी है तो वहीं से पढ़ो, बार बार पढ़ो इन स्पाइट ऑफ व्हाट द अदर पीपल आर सेइंग. कि कई लोग बोलेंगे अरे यार तूने ये नोट्स देखे मार्केट में, ये तो बहुत अच्छे हैं, इसको पढ़ के देख ले. डोंट डू दैट, उससे फिर कुछ नहीं होता. बिकॉज वो होता है ना कि एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है, आप एक जगह से कहीं पढ़े होते हो, आपके माइंड में एक सेट होता है, आपको ये तक याद रहता है कि हाँ लेफ्ट पेज के इधर नीचे वाले साइड में कुछ लिखा था, तो वो माइंड में एक सेट रहता है. बट अगर आप बार बार कभी इधर से कभी उधर से ऐसे से पढ़ोगे तो फिर अल्टीमेटली आप कंफ्यूज होके रह जाओगे, ना ये याद रहेगा ना वो याद रहेगा. सो वन इज दैट मिस्टेक, ये तो प्लीज अवॉइड करना.